हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोटस डिवाइन। जैसे कि काफ़ी टाइम बाद रीडिंग्स के लिए मैं आई हूँ, कुछ बिजी थी इस वजह से। तो आइए आज हम आपके सामने ही रीडिंग्स निकालेंगे। मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूँगी और मैं आपको बताती हूँ कि आने वाला हफ्ता आपका कैसा जाएगा। तो हम कहीं पे भी पाइल्स चूज करने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप कोई पाइल चूज करो। जो भी लोग देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली जो रीडिंग्स आएंगी कि ये हफ्ता आपका कैसे जाने वाला है, उस हिसाब से मैं रीडिंग्स उठा रही हूँ। तो जो भी लोग देख रहे हैं अपने मन में क्वेश्चंस आप ले लीजिए कि किस तरह के आपके क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, चाहे वो लव रिलेशन से हो, हेल्थ के रिगार्डिंग हो, या फिर देखिए एक कार्ड तो मेरे पास आ गया, या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो। आप क्वेश्चंस अपने दिमाग में रख लीजिए। मैं बताती हूँ आपके आने वाले हफ्ते में क्या चेंजेस हैं, कैसा जाएगा आपका ये हफ्ता। आपका आने वाले हफ्ते में मुझे बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है हफ्ते, इस हफ्ते आपकी आपकी कहीं ना कहीं किसी के साथ में जो है एक रीबॉन्डिंग दिख रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी एक गेट टुगेदर या फिर साथ में कोई ऐसा रिलेशन जो आप काफी टाइम बाद अब उससे मिलने वाले हैं किसी से, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे कि कुछ आपकी जो है गेट टुगेदर कहीं ना कहीं होने वाली है, रीबॉन्डिंग होने वाली है आपकी। और साथ में आपका जो हार्ड वर्क था अभी तक का, जितना भी आपने एफर्ट दिया है, या तो रिलेशन को मेंटेन करने में या बिजनेस को मेंटेन करने में, जो भी चीज़ है वो काफ़ी जो है बेनिफिट्स के साथ में आपके पास आने वाली है। और आप कहीं ना कहीं इकट्ठे अपनी गेट टुगेदर, क्योंकि दोनों कार्ड यही शो करें कि आप कुछ लोग जो हैं गैदर्ड होने वाले हो और अपने उसको इस हफ्ते को एंजॉय करने वाले हो आप लोग। और कहीं ना कहीं आपके फैमिली में मुझे कुछ ना कुछ ऐसी सेलिब्रेशन या कुछ मैरिज हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा पार्टी मोड हो सकता है, या कुछ भी है, कुछ ना कुछ आपकी फैमिली में रिलेशन फैमिली में जो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन भी आ रहा है कोई चीज को लेकर के। प्लस मनी बेनिफिट भी दिख रहे हैं। अगर बिजनेस के रिगार्डिंग आपने अपने मन में क्वेश्चंस ले रखे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको बेनिफिट आने वाले हैं इस हफ्ते। ये देखिए ये कार्ड्स भी मुझे बहुत अच्छे इसमें मिले हैं कि आपके बेनिफिट्स दिख रहे हैं आपको बिजनेस में, प्लस आप विनिंग पोजीशन में आ रहे हो। तो आपका ये हफ्ता, जो लोग भी ये अभी रीडिंग्स मेरी ले रहे हैं और देख रहे हैं ये रीडिंग्स को, तो ये हफ्ता आप लोगों का बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल एक गेट टुगेदर और फैमिली गेट टुगेदर समझ लो, फ्रेंड्स की रीयूनियन होने वाली है आप लोगों की, साथ में आप अपनी कंपनी को एंजॉय करने वाले हो। मनी मोड पे भी देखा जाए कि जिन लोगों ने मन में क्वेश्चन ले रखा हो कि मेरा बिजनेस का या कुछ ऐसे रिगार्डिंग जॉब के रिगार्डिंग या किसी मनी से रिलेटेड कोई कुछ दिमाग में क्वेश्चन ले रखा हो, तो उसका आंसर भी यस आ रहा है। यस मनी प्रॉफिट होना है और साथ ही आप विनिंग पोजिशन में आ रहे हैं मनी से रिलेटेड। तो ये हफ्ता तो आपके लिए गुड न्यूज लेके आया है। और यस आप सेलिब्रेट कीजिए, प्लस आप एंजॉय करिए इस हफ्ते को। तो देख लेते हैं उन कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं पूरे हफ्ते का। ऑल इन ऑल आपका हफ्ता बहुत बढ़िया जाने वाला है, बट एक मैसेज जो हम मून कार्ड से लेंगे। दिस इज बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इट मीन्स आपको अभी बैलेंस मेंटेन करने हैं, आप ये जो बेनिफिट्स हैं आपको मिलने वाले हैं, लेकिन थोड़े से स्पिरिचुअल लाइन में आप अपने आप को जो है और प्रैक्टिकल लाइन में जो आप थोड़ा डिसबैलेंस अगर चल रहा है तो थोड़ा सा आप उसमें बैलेंस मेंटेन कर लीजिए।
क्योंकि ये बेनिफिट्स तो आपके पास आने ही वाले हैं, बिल्कुल दिख ही रहे हैं मुझे कि बेनिफिट्स तो आपके पास आ ही रहे हैं, पर थोड़ा सा इन चीजों को बैलेंस करके चलिए आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ जो भी है उसको आप एक प्रॉपर बैलेंस में करके चलिए, वरना इस हफ्ते में हो सकता है जो चीज़ आपको मिलनी है उतनी ना मिले, 100% मिलना है तो उसमें से सिर्फ 50% मिले, तो थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल अपने आप को जो है और आगे बढ़ाइए और प्लस इस हफ्ते को एंजॉय कीजिए। कार्ड्स की रीडिंग आई है तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, नेक्स्ट रीडिंग्स में इसी तरह से लाती रहूंगी। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आप मुझे जो है मैसेज में पूछ सकते हैं, और किस रिगार्डिंग मैं और कार्ड रीडिंग उठाऊं, किस तरह की रीडिंग लूं, कुछ आप मुझे सजेशन दीजिएगा, मैं उस हिसाब से कार्ड रीडिंग उठाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।